काष्ठागार और सतना नाका के पास से हटाए 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण, नगर पालिका की जमीन पर कब्जा कर कुछ लोगों द्वारा बेचे जाने की मिली थी शिकायतें। दिन भर चली संयुक्त टीम के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। नगर की सीमा से स्थित वन विभाग के काष्ठागार के आसपास और सतना नाका के पास स्थित सरकारी जमीन में लोगों ने झोपड़े और कच्चे घर बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। इन्हें जरूरतमंद लोगों को बेचे जाने की जानकारी कई दिनों से नगरपालिका व स्थानीय प्रशासन को मिल रही थी। इसी के आधार पर गुरुवार को सुबह 10 बजे से नगरपालिका, राजस्व और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। दिन भर चली कार्यवाही में 2 दर्जन से भी अधिक झोपड़े, कच्चे मकान और दुकानों को हटाया गया। नगरपालिका पुलिस और राजस्व विभाग की टीम सुबह करीब 10 बजे से काष्ठागार के आसपास खसरा नंबर 3302 की जमीन के कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू की तो हड़कंप मच गया। टीम 2 JCB सहित डंपर आदि लेकर पहुंची थी। सुबह शुरू हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरे दिन चली। कार्यवाही के दौरान 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण हटाए गए। इनमें सतरा नाका के पास स्थित 3-4 अतिक्रमण भी शामिल हैं। इन अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश हुए थे। पूर्व में 2 अतिक्रमण हटा दिए गए थे, जबकि 2 लोगों को 2 दिन का समय दिया गया था। शेष रहे 2 अतिक्रमण को भी हटा दिया गया। उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है। गौरतलब है कि काष्ठागार के समीप स्थित खसरा नंबर 3302 नगर पालिका की जमीन है। उक्त जमीन में विकास कार्य प्रस्तावित है। उक्त जमीन में बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके कच्चे घर और झोपड़े बना लिए थे। नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी मनीष मेंदल ने बताया कि नगर पालिका को सूचना मिली थी कि उक्त जमीन के टुकड़े को बेचने के लिए लोगों को दिखा रहे हैं। इसी के आधार पर नगर पालिका ने उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की योजना बनाई। नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन द्वारा झोपड़े और कच्चे मकान तो गिरा दिए गए, लेकिन किलकिला फीडर की नहर में 2 साल से चिन्हित 18 अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू नहीं की गई। उक्त अतिक्रमण के कारण ही किलकिला फीडर की नहर को दुरुस्त करने का काम शुरू नहीं हो पा रहा, जिससे बारिश के दिनों में शहर के तालाब नहीं भर पा रहे तो शहर साल दर साल पेयजल संकट से जूझ रहा है। इस साल बारिश कम होने के कारण हालात अभी से गंभीर होने लगे हैं। यदि इस साल गर्मी के सीजन में प्रशासन नहर से अतिक्रमण नहीं हटाया तो आगामी साल 2023 में भी जल संकट के हालात निर्मित होने की आशंका बनी रहेगी। इस साल के संकट को लेकर पूर्व के साल में ही नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन नहर के लिए 6 करोड़ का बजट होने के बाद भी अतिक्रमण हटाकर इसे दुरुस्त करने की कार्यवाही नहीं की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि गर्मी के शुरुआती दिनों में ही शहर जल संकट के मुहाने पर पहुंच गया। जिम्मेदारों की लापरवाही की सजा अब शहर के बेकसूर जनता भुगतेगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 5 दिन की सूचना दी गई थी कि 5 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा दिया जाए, मगर 2 दिन के बाद ही आ गए और तोड़ने लगे, जिससे हमारे सामान का नुकसान हुआ है। इसके लिए कोई मोहलत न समय दिया है। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं भूख से, रोटी से आज खाने के लिए मोहताज हैं। नहीं, 5 दिन की मोहलत दी गई थी, आज दूसरा दिन है। लोग ने लठ लेके और झाड़ू पूरी टीमें आ गई हम लोग के लिए, जबरदस्ती घर से बाहर निकाले, लड़कियों को मारा। यहाँ कितने घर थे? यहाँ पे 3 मात्र घर थे। 3 माह पुराने रहे जब